नफीस भाई, होटल की लॉबी तो सही लग रही नहीं? गुड मॉर्निंग फ्रॉम पटाया। आज हमारा तीसरा और फाइनल डे है। आज हम यहाँ से चेकआउट करके बैंकॉक के लिए निकल रहे हैं। ऑन दी वे रास्ते में हम साइट सींग करेंगे। जो भी साइट सींग आती है पटाया बैंकॉक के लिए, जो भी साइट सींग फेमस है, वो हम ऑन दी वे करेंगे। तभी भी हमारा चेकआउट हो चुका है अपना होटल से। गाड़ी आने वाली है पिकअप के लिए, हमें पहले यहाँ से पिकअप करेगी, फिर हम लोग जाएंगे एल के एम्प्रेस, वहाँ से बाकी जो दोस्त हैं उनको उठाएंगे और फिर हम निकलेंगे बैंकॉक के लिए। ये था हमारा होटल सेंटारा पटाया। अच्छा है, लोकेशन प्राइम है, सामने निकल करके ही। आप थोड़ा सा राइट जाके और लेफ्ट लेते हैं तो आप बीच पर आ जाएंगे। वॉकिंग स्ट्रीट से थोड़ा सा दूर है, बट वैसे लोकेशन पटाया क्योंकि इतना बड़ा है नहीं, आप हर जगह जा सकते हैं आराम से। तो इस वक्त हम लोग हैं जेम्स गैलरी के अंदर और ये छोटी छोटी रेल गाड़ियां हैं जो हमें घुमा के ले जाएंगी। तो ऐसा कुछ जेम्स गैलरी यहां से बनता है। जेम्स कैसे निकलते हैं, जेम माइनिंग कैसे होती है। अभी मैनुअल माइनिंग से हट करके हाइड्रोलिक माइनिंग पे आ गए। शॉप की तरफ बढ़ रहे हैं, वहाँ पे वीडियो फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो हम देखते हैं कुछ अगर मिलने वाला है, खरीदने वाला है, उसको खरीदा जाएगा, नहीं तो फिर मिलते हैं वापस गाड़ी में। ये हम लोग आ चुके हैं बैंकॉक शहर में। ये किंग पावर वो है। तो हम लोग आ गए अभी कहाँ, बुद्धा टेम्पल। बुद्धा टेम्पल ऑफ बैंकॉक। तो ये है खूबसूरत मंदिर यहाँ पर, बुद्धा टेम्पल। अगर आप आते हैं बैंकॉक तो ये यहाँ से पहले आप टिकट ले सकते हैं। अगर आप इस मंदिर में आते हैं तो आपको ड्रेस का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ये बनियाइन कच्छा और ये सब, और टैटू वाले लोग यहाँ। बट बुद्धा जी का टैटू नहीं बनाना है, ये टिकट काउंटर है। अच्छा, 50 बात का टिकट है। चलो चलो चलो, मेरा ब्रेलेस मैग्नेट यहाँ रखा है।
ये अलग अलग बुद्धा के स्टैचूज बने हुए जो कि बुद्धा के जीवन के अलग अलग रंग दिखा रहे हैं। तो ये हमने मंदिर देखा है यहाँ पर। अभी जो इसका मेन मंदिर का जो हिस्सा है सैंक्टोरम जो है वो बंद है क्योंकि वहाँ पर कुछ ध्यान प्रार्थना चल रही है, तो अभी हम लोगों का टूरिस्ट का वहाँ पे एंट्री अलाउड नहीं है, तो हम लोग भी निकलेंगे बाहर की तरफ। तो ये था वाइट मार्बल बुद्धा मेरे पीछे, जो कि हम लोगों ने अंदर से नहीं देख पाए, बाहर से बिल्डिंग देखी, प्रेयर चल रही थी और बारिश हो रही है लगातार। तो देखते हैं अभी बाकी जगह जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, क्योंकि बारिश की वजह से ना एक तो ट्रैफिक शहर में जाम बहुत ज़्यादा है, बैंकॉक में जाम बहुत लगता है, जस्ट लाइक कि दिल्ली गुड़गांव जैसा हालत है। समझ जाना पूरा पानी भरा हुआ भाई, और नहीं होता है तो फिर चलेंगे हम लोग होटल। कहाँ जाना है आपको? ड्राइवर से पता करें। तो ये है फेमस गोल्डन बुद्धा टेंपल हमारे पीछे, लेकिन पहुँचते यहाँ हो गई देर, सब कुछ बंद है, तो बस अब यहाँ से निकलते हैं होटल। और बारिश आप देख ही रहो, मतलब कैमरा पहुँच के भी। और ये इसी के साथ में अब हम लोग आ चुके हैं अपने होटल एम्बेसडर। होटल एम्बेसडर नफीस भाई, होटल की लॉबी तो सही लग रही नहीं? शानदार है। बैग रखो, पासपोर्ट दो ना, कट करो तो बताए तुम्हारा। बता बता बता। नहीं लगे हम लोग उठवा ली, वहाँ से वीडियो बना रहे हैं। बहुत देर वेट करने के बाद हमें अपना रूम मिल गया फाइनली। ये है हमारा रूम फाइनली जो हमें मिला है टावर विंग पे। बहुत देर बाद। और सुबह से हम लोग मतलब पटाया से चले, उसके बाद गाड़ी में बैठे हालत खराब हो गई। और ये रूम है हमारा, वॉशरूम देखते हैं पहले। तो हमारे पास बाथटब है, वॉशरूम क्यूबिकल नहीं है यहाँ पे, तो आपको नहाना धोना जो भी है इसमें ही करना होगा। और ये है रूम, ट्विन बेड्स, बालकनी नहीं है इसमें। अरे दादा, तो बहुत समय 9 बज चुके हैं और अभी हम लोगों ने अपने रूम में चेक इन किया है। बहुत लंबा दिन था, अब क्या करेंगे हम लोग, आई डोंट हैव एनी आइडिया ऑन दैट। अभी प्रोबेबली हम लोग चेंजेस करके कुछ निकलेंगे, कुछ खाएंगे पियेंगे। यहाँ आसपास में काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं, इंडियन रेस्टोरेंट भी है, थाई रेस्टोरेंट भी है वगैरह, पर हम लोग जहाँ तक लगता है कि सब लोग इंडियन रेस्टोरेंट ही जाएंगे। कल का हमारे पास एक दिन है बैंकॉक में, वो हम कल देखेंगे।